हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। सो गाइस, फाइनली वी आर बैक विद एन अमेजिंग सेशन ऑफ ओशनोग्राफी। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को हम कवर करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ओशनोग्राफी को बहुत ही डिटेल में। हम बात करेंगे ओशियंस के बारे में। यहाँ पर जो ये हमारी सीरीज है, ये आने वाले आपके अराउंड 15 to 16 डेज चलने वाली है, जिसके अंदर अराउंड आपका 20 से 25 आवर्स के सेशंस होंगे, जिसके अंदर मैं पूरी कंप्लीट ओशनोग्राफी कवर करूंगा। उसके अंदर सारी चीजें डिटेल कंसेप्ट के साथ कवर होंगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वो ओशनोग्राफी की बिल्कुल स्टार्टिंग होने वाली है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके जो कोर है, इंटरनल चीजें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ओशियंस के इंटीरियर में जब हम अंदर जाते हैं, तो वहां पर किस किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज के साथ आज का जो सेशन है, उसमें हम बात करेंगे ओशन के रिलीफ फीचर्स के बारे में। आपको सुनने में बहुत सारी चीजें अजीब लगेंगी, बट जब मैं चीजों को पढ़ाऊंगा तो आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीजें लिंक होगी कि हाँ, हमारी थिंकिंग पहले क्या थी और अब हमने जब चीजों के साथ स्टडी किया तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। और ये चीज आपके साथ नहीं है, अब तो चीजें फिर भी पता लगने लगी हैं, बट आज से अगर मैं 70 to 80 ईयर्स बैक चला जाऊं तो चीजें बहुत डिफरेंट थी। और तब चीजों से लेके अब तक कैसे कैसे चीजें हमारी पूरी स्टार्ट हुई है, हमने डिस्कवरी की है, चीजों को ढूंढने की कोशिश की है, हमने अलग अलग तरीके से मिशन चलाए हैं इंटीरियर को जानने के लिए, उन सारी चीजों में हमने क्या फाइंड आउट किया है, वो हम आज के सेशन के अंदर बात करेंगे। दैट इज द ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वॉइस में इको आ रहा है, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस में इको आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी को आ रहा है गाइस, एक बार मुझे बताइए, एक मिनट वेट कीजिए। ओके ओके ओके, हेलो, अब बताइए अभी को है या बेटर है पहले के कंपेयर में? हेलो, हेलो एवरीवन, गाइस नाउ फाइन, नाउ क्लियर? ओके ओके, बेटर बेटर, फाइन फाइन। तो आज हम बात करेंगे ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में, ठीक है, और बहुत अच्छे से चीजों को कवर करने वाले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 इयर्स। आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वहीं पर गाइस, अगर मैं बात करूं आगे अनअकैडमी के बारे में, गाइस अनअकैडमी ने मोर देन 333 सिलेक्शंस जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने दिए हैं अनअकैडमी ने, दैट मींस यहां पर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू, ये सारी चीजें अनअकैडमी पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा। दैट मींस ऑल द सब्जेक्ट प्लस मेंटरशिप प्लस गाइडेंस मिलेगी आपको मेरे एंड से। और उसी के साथ साथ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है 10th of September, ये आने वाला 10 सितंबर है, इसमें मॉर्निंग 11 AM अनअकैडमी कॉम्बैट है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्कॉलरशिप जीत सकते हो और बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस भी आप जीत सकते हो। तो यूज अ कोड कैपिटल AM10 और अनअकैडमी ऐप पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो। उसी के साथ साथ गाइस, टेस्ट सीरीज है 1 ईयर के लिए, ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 5,000 में पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और 15,000 में मेंस की टेस्ट सीरीज है। आप यहाँ पर भी एनरोल कर सकते हो AM10 कोड यूज करके। और उसी के साथ साथ गाइस, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है, आरएम बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश मीडियम में, दैट मींस हिंदी प्लस इंग्लिश में। और मेरा आरएम बैच जो प्रीवियस है, उसमें मॉर्निंग में 8 AM मेरा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है। और जितने भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो AM10 कोड यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में विद मेंस आंसर राइटिंग के साथ ये सीरीज चल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाला है। तो आपके पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ इंडिया ज्योग्राफी वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से आप कर सकते हो।
लोन के थ्रू चीजें लेना चाहते हो तो सेल्स टीम से बोल दीजिएगा यूज ओनली कोड AM10, तभी आपको मेंटरशिप और गाइडेंस सब कुछ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, पूरी चीजों में आपको हेल्प हो जाएगी, मेंटरशिप गाइडेंस क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गाइस सेल्स टीम से यही बोलिए, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट को इश्यूज होते हैं इसलिए, और कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज unacademy_anirudhmalik, unacademy_anirudhmalik, उसे ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। तो आते हैं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है गाइस, वॉइस इश्यू कर रहा है बहुत ज्यादा, वॉइस की प्रॉब्लम है, एक मिनट रुक जाइए गाइस, एक मिनट मुझे दीजिए, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट दीजिए, मैं वॉइस का जो इश्यू है ना उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट और, जस्ट गिव मी वन मिनट। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, एक बार मुझे अब बताइए कि पहले से बेटर है, नाउ इज एवरीथिंग फाइन, अब सब चीजों का जितने भी हमारे जो जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए या अभी भी कुछ इश्यू आ रहे हैं, कम ऑन फास्ट। हेलो, अब भी वॉइस प्रॉब्लम है, यार ये क्या इश्यू आ रहा है हमारे साथ आज वॉइस का। हेलो हेलो, अब ठीक है ना गाइस, लो साउंड, एक मिनट दीजिए मुझे। हेलो, एक मिनट दीजिए बस। नाउ आई थिंक अब ज्यादा बेटर होगा ना। हेलो, ठीक है, चलिए, ओके, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, आ जाइए एक बार जल्दी से, हम चीजों को कवर कर लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। फाइन फाइन, अब आई थिंक सब कुछ क्लियर है, बेटर है ना। ठीक है, देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे ओशनिक रिलीफ फीचर्स के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या हुआ गाइस, बात आज की नहीं है, हम चलते हैं 75 to 80 years बैक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, सारी कंट्रीज आपस में लड़ने को लगी पड़ी थी,
पर द पॉइंट इज दैट कि बहुत सारी कंट्रीज ये सोच रही थी कि हम अपनी ओशन कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करें, दैट मीन्स हम अपने ओशंस के इक्विपमेंट बनाए ताकि हम जो वॉर चल रहा है वो स्पेस के थ्रू, लैंड के थ्रू, साथ साथ हम ओशंस में भी अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी को डेवलप कर सके। तो उसी के साथ साथ उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबमरीन डेवलप की गई, और वो सबमरीन जब वॉटर के अंदर गई तो लोगों को लगता था कि जो ओशियंस है वो बिल्कुल फ्लैट है, दैट मीन्स वहां पर किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ओशियंस है। बट जैसे जैसे चीजों की स्टडी आगे की गई तो देखा गया कि हमारे जो लैंड है सेम उसी तरीके से जो हमारे लैंडफॉर्म्स है वो ओशियंस के अंदर भी देखे गए। ओशियंस के अंदर माउंटेन्स देखे गए हैं, ओशियंस के अंदर ट्रेंचेस देखी गई हैं, और ओशियंस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डीप सी प्लेन भी देखे गए हैं, जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये सारी चीजें हमें कहाँ पर मिली है? ये सारी चीजें हमें ओशियंस के अंदर मिली है जब हमने चीजों को स्टडी करने की कोशिश की थी। ठीक है, जब हमने ओशियंस के अंदर स्टडी करने की कोशिश की थी, बट क्या हुआ, जब धीरे धीरे स्टडी आगे होती चली गई तो हम ओशियंस के अंदर पढ़ने लगे, और जब हम ओशियंस के अंदर पढ़ने लगे तो हमें बहुत अलग अलग लैंडफॉर्म्स मिले, और वही लैंडफॉर्म्स आज हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल के। तो दैट मीन्स जो हम ओशियंस के अंदर चीजों की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डीप सी फीचर्स, या आप बोल सकते हो उन फीचर्स को बोलते हैं आपका बॉटम सी प्लेन, बॉटम ओशियन फीचर्स। दैट मीन्स ओशन के जो बॉटम्स में फीचर्स है उनको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओशन वाटर टोपोग्राफी या एक्सप्लोरिंग द ओशन फ्लोर, जो ओशन के फ्लोर है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम कैसे पढ़ें, तो हम बात करेंगे ओशन रिलीफ फीचर्स के बारे में, कि व्हाट इज ओशन रिलीफ फीचर्स, होते क्या है, हमें इनकी स्टडी कैसे करनी है, और क्या क्या चीजें हैं। तो फटाफट जल्दी से आ जाए, देखिए गाइस, जो हमारे ओशियंस के फ्लोर थे, जब हमने चीजों के साथ स्टडी की तो हमें चीजें पता लगी। कैसे पता लगी? सबसे पहले मान के चलिए ये हमारा आपके कॉन्टिनेंट है, मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारा इंडिया कंट्री है। ठीक है, अब मैं इस इंडिया कंट्री के यहाँ पर जाता हूँ, ये वाला पार्ट, ये तो पूरा लैंड एरिया है, यहाँ पर ये पूरा लैंड एरिया है, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है, एक पोर्शन ये है। उसके बाद मैं ओशियंस के अंदर जाऊंगा तो चीजें इस तरीके से मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं और आगे की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर इस तरीके से ये करके चीजें मिलेंगी। फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अभी सारी चीजों को समझना बहुत अच्छे से। सारी चीजें एक एक करके आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आइए यहां पर चीजों को समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए अब मैं आपको चीजें सिंपल बताता हूँ। हुआ देखिए गाइस, आपका जो लैंड है, ये जो लैंड दिख रहा है आप, इस लैंड के बाद कुछ पोर्शन लैंड का ऐसा है जिसको ओशन ने कवर कर दिया है, कुछ पोर्शन ऐसा है लैंड का जिसको ओशन ने कवर कर दिया है। हम उस पोर्शन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल, कॉन्टिनेंटल शेल, क्या बोलते हैं गाइस, सर कॉन्टिनेंटल शेल। उसके बाद यहां पर ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इसको बोलेंगे, यहां पर ये आपका है कॉन्टिनेंटल स्लोप, क्या बोलेंगे गाइस, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद यहां पर एक पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। अभी परेशान मत होना, कुछ नहीं समझ में आएगा, बने रहना क्लास, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एमओआर, दैट मीन्स यहां पर इसको बोला जाएगा दैट इज अ मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, मिड ओशनिक रिज, ठीक है, यहाँ पर ये मिड ओशनिक रिज आप। उसके बाद अगर आप आगे चीजों की स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा ये वाला जो पार्ट है दैट इज, ये है आपका
कोशनिक ट्रेंड, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। इसको बोलेंगे ओशनिक ट्रेंड, ओशनिक ट्रेंड, ये क्या हो गई, ट्रेंड चार्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देते हैं हम, ये वाला जो हिस्सा है, इट इज अ ट्रेंड, कौन सी ट्रेंच है, ओशनिक ट्रेंच है, क्लियर है, ये मिड ओशनिक रिजेस। वहीं पर अगर हम चीजों की और स्टडी करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें और लैंडस्केप देखने को मिलेंगे ओशन के अंदर, यहाँ पर हमें और लैंडस्केप देखने को मिलेंगे ओशन के अंदर। जैसे ये वाला लैंडस्केप है, इसको बोलते हैं सी माउंट, और जैसे यहाँ पर ये लैंडस्केप है, इसको बोलते हैं गायोस। तो इस तरीके के हमें लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो इसके ऊपर का पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा जो पूरा है, दैट मीन्स ये पूरा वाटर, ये पूरा वाटर है यहाँ पर, ये पूरा क्या है गाइज, ये पूरा वाटर है, ये पूरा वाटर है। और इस वाटर के सरफेस पर ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको टॉप दिखाऊं, ये क्या है, ये वाटर का सरफेस। और जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सब ओशन के अंदर, ऑल थिंग्स आर अंडर द ओशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर द ओशन। चाहे मैं ओशनिक ट्रेंचेस की बात करूं, चाहे मैं मिड ओशनिक रिजेस की बात करूं, चाहे मैं गायोड्स की बात करूं, चाहे सी माउंट की बात करूं, जैसे हम अपने लैंडस्केप के ऊपर, हमारा जो लैंड है वहां पर हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, कि ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स है, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स है, यहाँ पर ये हमारे प्लेट्यू है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यहाँ पर ये सरफेस ऐसा है, यहाँ पर ये रिफ्ट वैली है। जैसे लैंड पर ये हमारे फिजिकल फीचर्स है, सेम उसी तरीके से जब हमने स्टडी की तो हमें ओशंस के अंदर भी मिले। ओशंस में हमें कॉन्टिनेंटल सेल्स मिली, कॉन्टिनेंटल स्लोप मिले, कॉन्टिनेंटल राइज मिला, डीप सी प्लेन, और जिसको एबिसल प्लेन बोलते हैं, यहां से लेके ये पूरा डीप सी प्लेन है जिसको एबिसल प्लेन बोलते हैं। ये एबिसल प्लेन इज जस्ट लाइक अ, जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जो हमारे नॉर्थ हमारे लैंड के ऊपर होते हैं प्लेन एरिया, सेम इसी तरीके से ये प्लेन एरिया हमें ओशियंस के अंदर भी देखने को मिले। वहां पर जो हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जो 8848 मीटर है, उससे भी ज्यादा गहरी हमें ट्रेंच मिली, और उसकी डेप्थ है 11,900 मीटर की ट्रेंचेस मिली, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन। ये इस तरीके से अलग अलग लैंडस्केप और ये हमें फिजिकल फीचर्स मिले, और उसी के साथ साथ हमें कैनियंस भी मिले। क्या मिले, कैनियंस भी मिले। वो कैसे बने, क्या क्या चीजें हुई, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने आपको यहाँ पर चीजें समझा दी। तो गाइस, हमारी जो अर्थ, हमारा जो ओशन है ना, उसमें फिजिकल फीचर्स दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ओशन के अंदर जो रिलीफ फीचर्स है वो दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं। एक रिलीफ फीचर्स है मेजर रिलीफ फीचर्स, और एक रिलीफ फीचर्स है माइनर रिलीफ फीचर। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने यहाँ पर मेजर ओशनिक या मेजर रिलीफ फीचर, यहां पर ये है मेजर रिलीफ फीचर, ओशन के अंदर मेजर रिलीफ फीचर, और दूसरे टाइप के जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको हम बोलते हैं माइनर रिलीफ फीचर। लिखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइनर रिलीफ फीचर। तो एक एक करके हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेजर रिलीफ फीचर, मेजर रिलीफ फीचर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मेजर रिलीफ फीचर। सेकेंड नंबर पर आता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। कौन सा आएगा गाइस, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये सब मेजर रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब दैट मींस वो रिलीफ फीचर जो मेजर हैं, जो बहुत बड़े हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, और फोर्थ नंबर पर आते हैं हमारे डीप सी प्लेन, और इसी डीप सी प्लेन को हम एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन। ये सब हमारे चारों के चारों, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 3 और 4, ये 4 हमारे मेजर रिलीफ फीचर्स हैं जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में मिलते हैं, वो सॉरी ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ओशन में जब हम नीचे जाएंगे डेप्थ, उसी के साथ साथ हमारे कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी हैं। उस माइनर रिलीफ फीचर्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, हमें कैनियंस देखने को मिलेंगे,
हमें ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, हमें मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलेंगी, हमें एटॉल्स देखने को मिलेंगे, हमें कोरल रीफ देखने को मिलेंगी, ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, हमें डायोड्स देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेंगे, हमें सीमाउंट देखने को मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये यहाँ पर इतने अच्छे से चीजें लिखवाने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो यही रीजन है कि यूपीएससी पूछ लेगा चार फीचर्स कि बताइए कि मेजर रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं। उसने बोल दिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और एक लिख दिया मिड ओशनिक रिजेस, और पूछ लिया कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए माइनर है, दैट मीन्स छोटे रिलीफ फीचर्स है जो बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करते, और ये जो रिलीफ फीचर है ये ओशन का मेजर पार्ट है जो मेजर ओशियंस के एरिया को कवर करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक चीजें, समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, सब लोग नोट्स कर लीजिए जो जो चीजें हैं यहां पर, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो डीप सी प्लेन सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, जो सबसे मेजर रिलीफ फीचर है हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सभी मेजर फीचर्स को एक एक करके बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओशनोग्राफी बिल्कुल बेस के साथ कवर कर रहे हैं, और मिस कर दिया ना फिर आप बोलोगे कि सर क्या करें हमारी ये चीजें मिस हो गई हैं, फिर आप बोलते हो सर करवाया नहीं चीजें। तो बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एरिया है कॉन्टिनेंट का, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये एरिया है, इसको मैं बोलूंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्या बोलूंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कैसे है, सारी चीजें बताऊं। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर वाटर कवर है, इस तरह ये वाटर कवर। आपने देखा होगा जब आप ओशंस के अंदर एंटर करते हो, ओशन में चलना स्टार्ट करते हो, तो आपके क्या होगा, पहले इतने लेग्स डूबेंगे, फिर इतने लेग डूबेंगे, फिर इतने लेग डूबेंगे, तो दैट मींस आप ओशन के ऊपर नहीं मूव कर रहे, आप कॉन्टिनेंट के उस पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हो जिसको ओशन ने कवर कर दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप गोवा में जा रहे हो और गोवा में आप बीच के ऊपर मूव कर रहे हो और थोड़ा सा ओशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वही पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो ओशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलिए यहां पर आपने मूव करना स्टार्ट किया और आप सीधे ओशन में जैसे ही घुसे, आप नीचे थोड़ी ना चले जाओगे, आप धीरे 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 करके ओशन में एंटर कर रहे हो। तो जब आप ओशन के अंदर एंटर कर रहे हो तो आप कॉन्टिनेंट के पार्ट के ऊपर मूव कर रहे हो, और उस पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पार्ट है जिसको ओशन के वाटर ने कवर कर लिया। तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और यहाँ पर ये वाला जो पर्पल कलर है ये भी कॉन्टिनेंट का पार्ट है, पर इसके ऊपर वाटर का एरिया कवर हो चुका है, यहाँ पर वाटर आ चुका है इस एरिया का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या चीज है, तो आप बता सकते हो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना वो क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ सीवर्ड एक्सटेंशन, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का सीवर्ड एक्सटेंशन है, और जिसका जो स्लोप है, जो स्लोप है वो बहुत जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप है। और अगर आपसे पूछे कितने डिग्री का स्लोप है, तो आपको बताना है 1 डिग्री और लेस, 1 डिग्री या उससे भी लेस का स्लोप है। बट किसी किसी बुक में अगर आप सविंदर सिंह या और बुक में चेक करोगे, तो वहां पर आपको 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक देखने को मिलेगा। बट आप बोल सकते हो कि जो स्लोप है ना वो 1 डिग्री या उससे कम का स्लोप है, जहां पर कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है, उसके बाद ये 1 डिग्री या उससे कम का एंगल है जो आपका ओशियन ने जिसको कवर कर लिया है, और इस पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी सब बताऊंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, समझ में आ गया, क्लियर। तो बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना वो शैलो होती है, याद रखना, कैसी होती है, शैलो होती है, शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसी होती है, शैलो, दैट मीन्स ये ज्यादा गहरी नहीं होती, क्लियर है, ज्यादा गहरी नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो पूरे
हमारे ओशियन है, मान के चलिए ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, तो उसका पूरा पार्ट 100% है। तो 100% में से उस ओशियन का 7.5% जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना है, तो आपको बताना है कि जो पूरे ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, आपका आर्टिक ओशियन, जितने भी ओशियन है, इन सबको अगर हम मिलाएं तो इसका टूगेदर, एक साथ मिला के, इन सभी ओशियन का 7.5% एरिया जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर करती है। तो याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूगेदर कवर 7.5% एरिया, ये चीजें भी याद रखनी है। साथ के साथ मैं लिखवाता चल रहा हूं आपको, ताकि आपकी नोट्स मेकिंग भी होती रहे। कितना 7.5% एरिया आपका कवर करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ टूगेदर, क्लियर, समझ में आ गया? या तो 1 डिग्री या उससे लेस का आपका एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी डेप्थ कितनी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इसकी डेप्थ कितनी है। तो आपको बताना है कि जो हमारी एवरेज डेप्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, वो होती है आपकी 100 पैदा, समझने की कोशिश करना, कितनी 100 पैदा, कितनी 100 पैदा। और याद रखना, 1 पैथन के अंदर आपका 6 फीट होता है, 6 फीट, और इसका मतलब क्या है, 600 फीट की आपकी एवरेज डेप्थ। तो एवरेज डेप्थ कितनी है आपकी, एवरेज डेप्थ है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 600 फीट। दैट मीन जो गहराई है 600 फीट तक की एवरेज गहराई है, और जो स्लोप है वो 1 डिग्री या उससे कम है, याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ जा सकती है आपकी, की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 600 फीट तक आपकी गहरी हो सकती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और भी कम हो सकती है, याद। बट यहाँ पर, जहां पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहां पर मान के चलिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट है, ये वाला पार्ट कॉन्टिनेंट का है, उसके बाद यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद जहां पर ये स्लोप स्टार्ट हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो इस पॉइंट को बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, इस पॉइंट को बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। दैट मीन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये ब्रेक हो चुकी है, दैट मीन ये अब खत्म हो चुकी है, यहां से स्लोप स्टार्ट हो, समझ में आ गई। अब बट क्वेश्चन बनता है कि सर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन भी तो होता होगा। तो अगर आपसे पूछे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका या तो सी लेवल सबमर्ज हो जाए, लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाए। जब लैंड सबमर्ज हो जाएगा तो क्या होगा, आप खुद बताइए, ये लैंड है, ये लैंड सबमर्ज हो गया कहां पर, अंडर द ओशन, तो यहां पर ओशन वाटर राइज कर जाएगा, तो लैंड का एरिया सबमर्ज हो गया, ओशन ऊपर आ गया, तो दैट मींस ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बट लैंड सबमर्ज होने के कारण ओशन लेवल ऊपर आ गया और यहां पर ओशन ने कवर कर लिया। बट ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है कॉन्टिनेंट का, बट ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, बट लैंड सबमर्ज होने के कारण कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो सी लेवल राइज हो जाए, सी लेवल राइज हो जाए मतलब कैसे सर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने से कॉन्टिनेंट अपनी जगह पर है, बट सी लेवल राइज हो गया, सी लेवल पहले यहां पर था, अब सी लेवल राइज हो गया यहां पर आ गया, और यहां पर आने तक यहां तक वाटर आ गया, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सी लेवल राइज होने के कारण जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो ओशन के नीचे आ चुका है, जिसके कारण इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, समझ में आ गया। तीसरा किसके कारण होता है, तीसरा होता है सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर, सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर। मेरे पास यहां पर ये लैंड एरिया है इंडिया का, मान के चलिए, ठीक है, यहां पर ये लैंड एरिया, यहां से गंगा रिवर आ रही है, यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये दोनों रिवर बहुत बड़े लेवल पर सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं, उन सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपोजिट करते जा रहे हैं, यहाँ पर डिपोजिट करते जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये सेडिमेंट डिपोजिट होंगे तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, यहाँ पर मान के चलिए ओशन है, यहाँ पर ही ओशन है, बट यहाँ से रिवर आई, रिवर सेडिमेंट डिपोजिट करती गई तो यहाँ पर एक स्लोप बन जाएगा इस तरीके से उन सेडिमेंट्स के कारण, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसके कारण बन रही है, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है। और याद रखना, वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो सबसे बड़ी है, किसी एक रिवर ने बनाई है, उस रिवर का नाम है हडसन। हडसन रिवर जब अपने माउथ पर सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है पूरे वर्ल्ड में, जो रिवर्स के द्वारा बनाई गई है, वो हडसन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। वहीं पर जो सुंदरबन डेल्टा है, जहां पर आपका गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर लेके आते हैं सेडिमेंट्स, वहां पर भी वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो रिवर के द्वारा बनाया गया है। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर जाओगे, तो ये वाला एरिया है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़े लेवल पर है, ये चीज आपको याद रखें। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए यहाँ पर। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस किस वजह से बन गई है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है? समझ में आ गया किसी भी तरीके से? और अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया और कौन सा तरीका है, तो आप बता सकते हो कोरल रीफ। जो कोरल रीफ है ना, वो भी उसके कारण भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन सकती है। दैट मींस कोरल रीफ क्या होती है, जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, जूजेंथले और कोरल पॉलिप, जो आपके कोरल पॉलिप्स है, जूजेंथले और कोरल पॉलिप्स दोनों मिलके एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। और जब वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपके कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पर एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगी। तो कोरल रीफ भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाते हैं, याद रखना। समझ में आ गया? उसी के साथ साथ आपकी होती है ग्लेशिएटेड शेल्फ। दैट मींस जो ग्लेशियर है ना, उसके द्वारा जो शेल्फ बनाई जाती है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ऊपर से सेडिमेंट्स लेके आते हैं, तो उनके द्वारा जो शेल्फ बनाई जाती है, वो है ग्लेशिएटेड शेल्फ। और याद रखना, जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है, वहां पर इस तरीके की आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस तरीके से आपकी फॉर्म हो रही है, जो मैंने आपके सामने बताया है एक एक करके। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो बताइए। समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक बताइए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अभी मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करते रहिए इस सेशन को एक बार। अब आ जाइए पीछे की तरफ, बहुत अच्छे से मैं आपको और चीजें बताने वाला हूं। यहां पर हमारी चीजें हो गई, ये आपको समझ में आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। आइए जल्दी से मैं आपको और अच्छे से चीजें बताता हूँ, फटाफट जल्दी आइए। यहाँ पर आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप कितने अच्छे से हम चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा मैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। समझने की कोशिश करना, किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कहाँ पर ज्यादा मिलेगी? अगर आपसे कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया में कहाँ पर मिलेगी, कोई भी आपसे पूछे यहाँ पर, किस पे, इस वाले पार्ट पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होगी या ये वाले पार्ट पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा होगी, फटाफट जल्दी से बताइए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, समझ में वेस्टर्न कोस्ट पर होगी। देखिए गाइस, पता है क्या है, इंडिया की जो कोस्ट है ना, यहाँ पर जो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, ये आपका सबमर्ज लैंड है। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो सबमर्ज हो चुका है, क्योंकि जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया था ना, तो टकराने से ये वाला जो पार्ट है ना, वो इस तरीके से आपका क्रैक हो चुका था। यहाँ इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका क्रैक हो चुका है, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन, जो इतना पोर्शन है यहाँ पर, ये क्रैक होकर नीचे सबमर्ज हो चुका है ओशन के अंदर, और यहाँ पर ये ओशन, और ये वाला पार्ट सबमर्ज हो चुका है क्रैक होके। और यहाँ पर जो स्टेट आपको इस तरीके से माउंटेन दिख रहे हैं, वो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का जो ओरिजिन है, वो पता है कैसे हुआ है? मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट इस तरीके से टकरा रही है जाके, समझने की कोशिश करना। ये प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी प्लेट है, ये प्लेट जाके इस तरीके से टकराई, तो टकराने से क्या हुआ, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये प्लेट ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने के बाद सबडक्ट हो गई, इस तरीके से सबडक्ट हो गई अंडर द ओशन। तो यहाँ पर जो इधर वाला पोर्शन तो सबडक्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है वेस्टर्न घाट। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट है, और ये वाला पॉइंट सब क्या हो गया, सबमर्ज हो गया है। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, तो सबमर्ज हो चुका है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही तो है। जो पोर्शन सबमर्ज हुआ है, यही तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो इसी वजह से अगर आप जाके देखोगे, हमारे जो नेचुरल पोर्ट की कंडीशन है,
वो नेचुरल पोर्ट की कंडीशन वेस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा है ना, क्योंकि ये सबमर्ज है। अगर आप गुजरात में जाओगे तो यहाँ पर जो कोस्ट है ये सबमर्ज कोस्ट है, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्वारकाधीश का। जो द्वारकाधीश है उसका सबमर्जेंस हुआ है उसका एग्जाम्पल आपके पास है, क्योंकि द्वारकाधीश अगर सबमर्ज हुआ है तो एक एक टाइम पर वो था, और दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, सबमर्जेंट कोस्ट है। ये वाली प्लेट सबमर्ज हो चुकी है, और जब ये वाली कोस्ट सबमर्ज हो चुकी है तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो बहुत वाइड होगी ना, क्योंकि यहाँ पर सबमर्ज कोस्ट है और यहाँ पर इमर्जेंट कोस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप जाके देखोगे विशाखापट्टनम वाला पार्ट है, और जो यहाँ पर आपके इधर ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इतनी वाइड नहीं है, और यहाँ की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रेजेंट भी है ना वो रिवर्स के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर जो कृष्णा रिवर आ रही है, गोदावरी, यहाँ से कृष्णा रिवर, यहाँ से गोदावरी रिवर, ये जो केजी बेसिन है, इन्होंने सेडिमेंट्स लाके यहाँ पर डिपोजिट किए हैं, उसके कारण कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनी है। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गंगा रिवर इधर की तरफ, और इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पर इन्होंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन किया। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो इतनी वाइड नहीं है कंपेयर टू इसके, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर ज्यादा होगी, तो हमेशा याद रखना कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड वहां पर मिलेगी जहां पर सबमर्जेंस है। और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। अब आपसे मैं बोलूं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में आइए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। साउंड क्लियर नहीं आ रही है यार, आज मैं क्या करूं, साउंड क्लियर नहीं आ रही है, तो बहुत कोशिश कर रहा हूं साउंड क्लियर आ जाए, बट नहीं, कल से कोशिश, बहुत स्लो है। एक मिनट रुक जाइए, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट मैं चेक कर लूं क्या यार, बहुत स्लो है, एक मिनट रुक जाइए, चलो मुझे रुक जाइए, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट, आप बताइए गाइज, अब भी आ रही है लो या पहले से बेटर है? अब भी लो है साउंड या पहले से बेटर है? नाउ एवरीथिंग इज फाइन, पहले की कंपेयर में इतना टूट जाइए। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो गाइस, फाइन, अब चीजें ठीक है? पहले क्लियर थी, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट गिव मी वन मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी रुक जाइए बस, एक मिनट रुक जाइए, साउंड का यार, अब बताइए मुझे, अब भी लग रही है आप लोगों को? अब भी कुछ बेटर नहीं हुआ किसी भी तरीके से? अब भी कुछ भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है? बज साउंड है यार, एक मिनट रुकी है, अब बताइए, एक मिनट रुक जाइए, जब
हेलो। हेलो, अब भी कोई साउंड नहीं है। मेरी वॉइस भी आ रही है। ओके आ रही है ना, मैनेज है, आज मैनेज कर लीजिए आप। ठीक है, सारा मूड खराब पढ़ाने का, इतने मन से चीजें थी। एक काम करें, इस क्लास को कल कंटिन्यू करें, इस क्लास को कल कंटिन्यू करें गाइस, कल कंटिन्यू करें इस क्लास को, क्योंकि फिर वॉइस का इश्यू है बहुत सारा। प्रॉब्लम हो गई है यार। गाइज अब बताइए मुझे, अब भी कुछ इश्यू है? हेलो हेलो एवरीवन, पहले से बेटर है? एकदम बिल्कुल क्लियर। इको जो बैकग्राउंड सब कुछ ही अभी भी कुछ इश्यू हो रहा है। एक मिनट दीजिए बस यार, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। बैकग्राउंड साउंड इश्यू कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। बैकग्राउंड साउंड इशू कर रहा है, अब बताना गाइस।
हेलो हेलो ओके चलें कंटिन्यू करें। ओके फाइन चलिए आते हैं अब चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब सारी बैकग्राउंड की जितनी भी वॉइस हैं सब इशू हैं वो क्लियर हो गया ना? ठीक है चलिए मैं यही चाहता था कि अगर हम चीजों को समझाएं तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो। तो यहां पर क्या है ये वाला जो साइड है गाइस ये कॉन्टिनेंटल यहां पर क्या हो चुका है सबमर्स्ड कोस्ट है ये वाला हिस्सा सबमर्स्ड है तो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा बड़ी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हमें ये बताइए इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर ज्यादा अच्छी है तो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा अच्छी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको 1 मिनट दीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट 1 सेकेंड दीजिए मुझे 1 सेकेंड। अगर आप मैप खोलिए फटाफट जल्दी से ठीक है आप मैप खोलिए यहाँ पर फटाफट जल्दी से। अगर किसी के पास मैप है तो मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर छोड़िए आप यहाँ पर आ जाइए छोड़िए इसको मेरे पास सारी इमेजेस हैं उसको शो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए देखिए गाइस अगर मैं बात करूं यहां पर आइए ये आपको दिखेगा साउथ अमेरिका और यहां पर दिखेंगे आपको एंडीज माउंटेन। और ये एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ठीक है ओके एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये वाली कॉन्टिनेंट प्लेट है साउथ अमेरिका की और यहां पर ये पैसिफिक की ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो गई। अब सबडक्शन हो गया जब ओशनिक प्लेट का तो दो प्लेट आपस में मिली तो गाइस कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो वहां पर होगी नहीं ना तो यहां पर जो चिली कोस्ट है यहां पर चिली कोस्ट है यहां पर तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ही नहीं। तो हमेशा याद रखना जहां पर कोस्टल एरिया में फोल्ड माउंटेन्स है वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट देखने को मिलेगी। आपको बात करता हूं आप आइए वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न साइड है आपका वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट है क्योंकि वहां पर दो प्लेट आपस में टकराई है तभी तो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं रॉकीज बने हैं वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन्स एंडीज बने हैं वॉल्केनिक फोल्ड माउंटेन्स। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई है सबडक्शन हुआ है तो वहां पर क्या वहां पर किसी भी तरीके की कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि वो सबडक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से रॉकीज में है तो हमेशा याद रखना जहां पर कोस्टल एरियाज में आपका सबडक्शन हो रहा है फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट रहेगी। क्लियर है क्लियर है समझ में आ रहा है यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहां पर एब्सेंट है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल शेल्फ नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में वहां पर तो प्रेजेंट है वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अराउंड 300 किलोमीटर तक वाइड है बट जहां पर फोल्ड माउंटेन्स है वहां पर एब्सेंट है। तो ये चीजें भी हमें याद रखनी है। उसी के साथ साथ अगर आप साइबेरिया वाले पार्ट पर चले जाओगे वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो एवरेज विड्थ है ना वो 1500 किलोमीटर की है। साइबेरिया वाले पार्ट पर वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ 1500 किलोमीटर की है वहीं पर आपका नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पर एब्सेंट है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमेशा उस पार्ट में एब्सेंट मिलेगी जहां पर सबमर्जेंस हो रहा है वो सॉरी जहां पर दो प्लेट टकरा रही है और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर एब्सेंट मिलेंगी। ये चीजें याद रखना क्लियर है। तो ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से जो मैंने आपको पढ़ाई है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है आइए मैं आपको एक एक करके चीजें पढ़ा देता हूँ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पार्ट है जहां पर ग्रेडियंट 1% या उससे कम है। दूसरा पॉइंट क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ 7.5% ऑफ द ओशन का जो पूरा ओशन है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कॉन्टिनेंटल राइज है कॉन्टिनेंटल स्लोप है एबिसल प्लेन है ट्रेंचेज हैं मिड ओशनिक रिजेज हैं ये सारा पार्ट हो गया ओशन का 100%। उसमें से अकेले सभी ओशन का मिला के 7.5% जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। आप देखिए ना यहाँ पर ये आपका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ये वाला पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। उसके बाद कॉन्टिनेंट में स्लोप आ गया ठीक है उसके बाद यहाँ पर स्लोप आने के बाद ऊपर से जो सेडिमेंट्स आए हैं वो यहाँ पर आकर डिपोजिट हो गए उसके बाद बन गया कॉन्टिनेंटल राइस और उसके बाद ये ओशन के अंदर का पार्ट है जिसको बोलते हैं डीप सी प्लेन।
इसको डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई हमारी यहां पर, क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो जहां पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये वाला पॉइंट है यहां पर खत्म हो रही है और इसके बाद स्लोप आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक दैट मींस यहां पर शेल्फ ब्रेक हो चुकी है। अगर और अच्छे से समझना है तो यहां पर आइए, ये देखिए ना, यहां पर ये कोस्ट है, यहां पर उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये वाला पार्ट, और यहां पर ये वाला पॉइंट जहां पर ये स्लोप स्टार्ट हो गया है, यहां पर ये होगा सेल्फ ब्रेक और उसके बाद आगे आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो पार्ट है, अगर आप देखोगे यहां पर ये कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है फोटिक रीजन, फोटोइक जोन, फोटोइक जोन। फोटोइक जोन मतलब यहां पर आपका क्या सनलाइट पहुंचती है, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, समझने की कोशिश करना, यहां पर डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, क्लियर है, ठीक है, यहां पर डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। डेप्थ बहुत ज्यादा होने के नहीं करने के कारण यहां पर फोटोइक जोन है। फोटोइक जोन मतलब यहां पर सनलाइट पहुंचती है, और जब सनलाइट पहुंचती है ना, यहां पर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो प्लांट्स की ग्रोथ है ओशियन के अंदर, ऐसे प्लांट जो ओशियन वाटर में भी ग्रो हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फोटोइक जोन है। और जब यहाँ पर प्लांट्स हैं, यहाँ पर मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो डेड भी हो जाएंगे, उनका डीकम्पोजिशन होता रहेगा धीरे धीरे, और जब डीकम्पोजिशन होता रहेगा तो याद रखना वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स जो है वो मिनरल्स के, वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर पेट्रोलियम के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर आपको नेचुरल गैस के रिजर्व देखने को मिलेंगे, और भी आपके जो पॉलीमेटेलिक न्यूडल्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, प्लस आपको डीप सी प्लेन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इट मीन्स दैट कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत रिच है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मरीन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ बिग पार्ट, प्लेज अ बिग पार्ट इन द मरीन फूड चेन। जो मरीन फूड चेन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो फिशेज होती है ना वो फूड ढूंढने के लिए यहीं पर आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी फिशेज मिलेंगी, और इसी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया फॉर द फिशिंग। फिशिंग इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट साइट होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। गहराई ज्यादा नहीं है, अपना जाल डाला, यहां से फिशिंग कलेक्ट कर ली जो फिशेज हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट, क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, याद रखना। तो वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी यहां पर मिल रहा है। अगर आपको एग्जांपल की बात करूं तो आप जाइए ना मुंबई हाई पर, जो बॉम्बई हाई है, गुजरात के रीजन में जाइए, गुजरात वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है पेट्रोलियम और आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज है। उसी के साथ साथ आप मुंबई हाई में आइए, कृष्णा गोदावरी बेसिन में आइए, ये सब क्या है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही तो है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मरीन प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं मिनरल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, और वहां पर डिकम्पोजिशन होगा, वो आप सेडिमेंट्स के ऊपर डिकम्पोज होते रहेंगे, और बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही चीजें कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इस एरिया में देखने को मिल रही हैं, समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी इसके लिए कि कोई भी तरीके का कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, क्या है, कैसे है, तो याद रखना जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो एवरेज विड्थ है वो 70 से 80 किलोमीटर है, पूरे वर्ल्ड की जो एवरेज विड्थ है। वहीं पर अगर मैं साइबेरिया के पार्ट पर चला जाऊं, वहां पर 1500 किलोमीटर तक की आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, साइबेरिया वाला जो पार्ट है वहां पर 1500 किलोमीटर तक की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। वहीं पर आप देखिए ना ये वाला जो पोर्शन है, और वहीं पर आप चिली में आ जाइए, साउथ अमेरिका, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट है। रीजन क्या है एब्सेंट होने का, क्योंकि कन्वर्जेंट है ओशनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट का, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं इस वाले पार्ट पर, रॉकीज फोल्ड माउंटेन है, एब्सेंट है, ठीक है। और वहीं पर जो साइबेरियन शेल्फ है
वो 1500 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पर जो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पर तो एब्सेंट है एक तरीके से, या बहुत ही जो विड्थ है वो बहुत कम है। और वहीं पर जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर विड्थ आपकी ज्यादा है आपके नॉर्थ अमेरिकन, यहाँ पर जो एक कॉन्टिनेंट है उस वाले पार्ट में। क्लियर है? दिस इज अबाउट द आपका वर्ल्ड का 20% जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलता है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया फॉर द फिशिंग के लिए, बहुत परफेक्ट एरिया होता है। और अगर मैं बात करूँ ये न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड वाले एरिया में जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इट इज अ परफेक्ट फॉर द फिशिंग। और रीजन क्या है, ये परफेक्ट सिर्फ इसके उससे नहीं है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, प्लस ये जो न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है ये परफेक्ट फिशिंग ग्राउंड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से लेब्राडोर जो आपका कोल्ड करंट है, और उसी के साथ साथ नीचे से गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। और दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवेलिंग हो रही है। और अपवेलिंग होने के कारण जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऊपर आ रहे हैं तो उनका फूड कौन, उनको कौन खाएगा? फिशेस खाएंगी। फिशेस खाएंगी तो फिशेस भी आएंगी, और फिशेस आएंगे तो फिशरमैन भी आएंगे, और यहाँ पर ये परफेक्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है आपके वर्ल्ड में। समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ये बात हो गई इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। ठीक है, यहां पर तो हमने बात कर ली इसके बारे में कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंटल स्लोप। सर, जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहां पर आपको दिख रही होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब उसके बाद जो आपको आगे का ये वाला पार्ट दिख रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद, ये दिखेगा आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ा ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो यहाँ पर एंगल है वो 2 से 5 डिग्री है। अभी पता है क्या चीज है, आपको ये स्लोप बहुत ज्यादा दिख रहा होगा इस तरीके से, बट ये इतना नहीं है। ये इस वजह से यहां पर इतना स्लोप दिखाया गया है कि ताकि आपको इतनी छोटी सी इमेज में वो चीजें क्लियरली आप इमेजिन कर पाओ। बट अदरवाइज जो स्लोप होता है ना, अगर ये कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बस इतनी होती है, आप फील भी नहीं कर पाओगे उस 1 डिग्री के स्लोप को। और वहीं पर जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसमें 2 से 5 डिग्री का एंगल होता है, वो भी आप फील नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने बड़े एरिया में होता है। बट अगर हमें इमेज में दिखाना हो ना, तो उसको शॉर्ट करके थोड़ा सा स्लोप दिखाना होता है ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि अच्छा कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसा होगा। बट एंगल की बात करूं तो वो सिर्फ 2 से 5 डिग्री का एंगल होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले एरिया में। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो एवरेज डेप्थ होती है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ की एवरेज डेप्थ मैक्सिमम 600 फीट बताई थी, इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है वो आपकी मैक्सिमम कहां से कहां तक होती है, 600 फीट से लेके 3500 फीट तक इसकी डेप्थ होती है। किसकी? कॉन्टिनेंटल स्लोप की। यहां पर इतनी डेप्थ होती है, याद रखना। पॉइंट इज दैट यहां से रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई। अब वो सेडिमेंट स्लोप पर तो रुकेंगे नहीं, अब वो सेडिमेंट स्लोप पर तो रुकेंगे नहीं, तो वो सेडिमेंट्स अपने यहां पर आकर डिपोजिट हो जाएंगे इस वाले पार्ट पर। इस वाले पार्ट पर वो सेडिमेंट्स आके डिपोजिट हो जाएंगे इधर की तरफ, यहां पर तो सेडिमेंट स्लोप पर तो रुकेंगे नहीं, तो सेडिमेंट्स नीचे आके डिपोजिट हो जाएंगे, याद रखना। इस जोन को, जो ये वाला जो जोन है कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला जोन, इस जोन को बोलते हैं ए फोटोइक जोन। इस जोन को बोलते हैं ए फोटोइक जोन। अब आप बोलोगे सर ये ए फोटोइक जोन क्या होता है? ए फोटोइक जोन मतलब जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, यहां पर सनलाइट नहीं पहुंचेगी। और जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो यहां पर जो मरीन प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स हैं वो थोड़े से कम होंगे कंपेयर टू इसके, यहां पर उनकी प्रेजेंस कम होगी, याद रखना। समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछे कि कहां पर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो आपको बताना है एक बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां पर शेल्फ ब्रेक हो रही है, ये शेल्फ ब्रेक हो रही है उसके आगे कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है, याद रखना। समझ में आ गया? उसके बाद जब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप से ऊपर से सेडिमेंट्स आए हैं, वो सेडिमेंट इसके बेस पे आके डिपोजिट होंगे। और जब यहां से सेडिमेंट्स आए हैं, रिवर लेके आई है, तो यहां पर वो सेडिमेंट डिपोजिट होंगे, तो यहां का हिस्सा थोड़ा सा उठ जाएगा, यहां का एरिया थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। इस वाले पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, याद रखना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा राइज हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल राइज। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, यहां तक किसी भी तरीके से, ओके? ठीक है, यहां पर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप
कहां से, जहां से सेल्फ ब्रेक है वहां से आगे चलेगा और जहां पर कॉन्टिनेंटल राइज है उसके पार्ट तक होगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ और जो ओशन बेसिन है इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, ये पूरा ओशन बेसिन है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो इसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, याद रखना। इसकी एवरेज जो डेप्थ होती है वो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, कहीं पर 200 से लेके 3000 फिट मिलेगी, कहीं पर 600 से लेके 3500 फिट मिलेगी, वो अलग अलग है। बट मैंने बता दिया है कि 600 से लेके 300 3500 तक आपको इसकी डेप्थ देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कैनियंस भी देखने को मिलेंगी, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना यहाँ पर कैनियंस देखने को मिलेंगी। और कैनियंस क्या है, एक माइनर फिजिकल फीचर है ओशन के अंदर का। कैनियंस का मतलब है कि यहाँ पर ये स्लोप है, ये स्लोप है तो यहाँ से रिवर्स आ रही है, ये रिवर्स क्या करेंगी इधर वाले हिस्से पर इरोड करती हुई चली जाएंगी, इस तरीके से ये वाले हिस्से को इरोड करेंगी। तो इरोड करने के बाद यहाँ पर ये एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर कैनियंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपका कोलोराडो रिवर है वो वर्ल्ड में सबसे एक मेन ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन करती है, सेम उसी तरीके के यहाँ पर भी कैनियंस बन जाएंगे। ये देखिए ये रिवर आ रही है अपने साथ सेडिमेंट्स लेके इस पार्ट को इरोड कर रही है, तो यहाँ पर ये क्या बन चुके हैं, कैनियंस का फॉर्मेशन हो चुका है। और कैनियंस आर द माइनर रिलीफ फीचर, और ये कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले पार्ट में आपको कैनियंस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये चीजें भी याद रखना। आगे चलूंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज क्या है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल राइज है, और उसके बाद आगे स्टार्ट हो जाता है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन, अब डीप सी प्लेन को एबिसल प्लेन भी बोला जाता है, डीप सी प्लेन को एबिसल प्लेन भी बोला जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, सेम उसी तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ओशन के अंदर प्लेन एरिया जो है उसको डीप सी प्लेन बोला जाता है, और ओशन का 40% एरिया ये एबिसल प्लेन कवर करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आपका ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये शेल्फ ब्रेक हो चुकी है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये कैनियंस बनी हुई है, ये क्या बने हुए हैं, कैनियंस बने हुए हैं, और यहाँ पर ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप और ये कॉन्टिनेंटल राइज है, और उसके आगे पूरा ये डीप सी प्लेन है। इस डीप सी प्लेन के अंदर आपको यहाँ पर मिड ओशनिक रिजेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, इधर वाले पार्ट पर ये ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, यहीं पर आपको गायोड्स मिलेंगे, यहीं पर आपको सी माउंट देखने को मिलेंगे जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो एबिसल प्लेन क्या है सर, अगर आपसे पूछे एबिसल प्लेन क्या है तो आपको बताना है एबिसल प्लेन फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन है वर्ल्ड का ओशन के अंदर, जहां पर ट्राइजेनस दैट मींस मरीन सेडिमेंट जो लैंड से इरोड होके आए हैं, मरीन सेडिमेंट्स जो रिवर लैंड से इरोड होके आए हैं, और वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इस कॉन्टिनेंटल या डीप सी प्लेन के अंदर जो एबिसल प्लेन है वहां पर आके किया गया है, ठीक है। तो याद रखना जो यहाँ पर सेडिमेंट्स रिवर के द्वारा लाए गए थे उन सेडिमेंट्स को यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू डिपोजिशन किया गया है और उससे बने हैं डीप सी प्लेन। जो डीप सी प्लेन है वो ओशन का 40% एरिया को कवर करते हैं और जो इनकी डेप्थ है वो 3000 से लेके 6000 मीटर तक है। मतलब यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर उसके बाद स्लोप आया, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आया, फिर यहाँ पर ये डीप सी प्लेन। तो यहाँ पर तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई है ओशन के अंदर, अगर आप देखोगे ये ओशन की डेप्थ यहाँ से यहाँ तक है, आप देखिए ना ये ओशन लेवल यहाँ पर है तो यहाँ पर डेप्थ कम है, बट जैसे जैसे आप डीप सी प्लेन में जाओगे तो इसकी जो डेप्थ है वो 3000 से लेके 6000 मीटर तक की डेप्थ होती है डीप सी प्लेन की, और बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, याद रखना, ठीक है, ये बात हो गई। अब माइनर रिलीफ फीचर्स के अंदर रिजेस होती हैं, एबेसल प्लेन होते हैं, एबेसल हिल्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ट्रेंचेस होती हैं, सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपके बारे में बताऊंगा मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, ये कहां पर देखने को मिलती हैं, कैसे मिलती हैं सर, मिड ओशनिक रिजेस जो है ना वो डीप सी प्लेन के अंदर ही देखने को मिलती हैं, जहां पर कन्वेक्शन करंट की राइजिंग लिम होती है, जहां पर कन्वेक्शन करंट की राइजिंग लिम होती है वहां से मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा बाहर निकलेगा तो यहां पर रिजेस बना देगा, इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस, ओशन के मिड में, और यहां पर दोनों तरफ ये आपके अंदर का जो मैग्मा है वो डिपोजिशन करता हुआ चला जाएगा इस तरीके से, और ये है मिड ओशनिक रिजेस।
वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मिड ओशनिक रिजिज है वो आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगी। इट इज 75,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मिड ओशनिक रिजिज है। और वहीं पर जो मिड ओशनिक रिजिज है उनका कुछ पार्ट कभी कभी ओशन से बाहर भी आ जाता है, और उसी से बने हैं जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो है, जो छोटे छोटे ये जो आइलैंड्स हैं, ग्रीनलैंड और आइसलैंड छोटे नहीं, मतलब जो ये बड़े आइलैंड्स हैं, ये कैसे बने? यहाँ पर ये ओशन है, ये ओशन है, इस ओशन के अंदर से नीचे से मैग्मा निकला और यहाँ पर ये मिड ओशनिक रिजिज बनी। और यहाँ पर ये मिड ओशनिक रिजिज का जब बाहर आ गया, यहाँ पर जो भी मैग्मा सरफेस से बाहर आ गया इस तरीके से, और वो मैग्मा से जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड है वो दोनों किससे बने हैं? मिड ओशनिक रिजिज से बने हैं। तो याद रखना, ये मिड ओशनिक रिजिज जब सरफेस से बाहर आ गई, दैट मींस इनकी जो हाइट है वो ज्यादा हो गई, तो वहां पर ये दोनों आइलैंड बने हैं और यहां पर ये सरफेस से बाहर निकल के आ गए। ठीक है, किसी को समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ओके, ठीक है। पता नहीं आप लोग क्या करते हो यार, मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं करता। आप लोग पता नहीं आते नहीं हो, पढ़ा वॉइस का इश्यू हो जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। मैं एक घंटे से लगा हुआ हूँ यहाँ पर चीज़ों को पढ़ाने में। क्या किया जाए, आप ही बता दो क्या किया जाए। चलो कोई नहीं, हमारा काम है आते हैं चीजों के साथ। तो यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर मिड ओशनिक रिजिस बन गई है, और उसी मिड ओशनिक रिजिस का वो अटलांटिक ओशन है, वहां पर सबसे बड़ी मिड ओशनिक रिजिस है, वो ओशन के अंदर देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट है कॉन्टिनेंट की, ये वाला हिस्सा, और एक प्लेट है ओशन का, तो ओशन प्लेट भारी होती है, तो जब एक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी तो वहां पर ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। ओशन के अंदर क्या देखने को मिलेंगी? ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, जैसे मैरियाना ट्रेंच। ये मैरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है नीचे तक, इट्स 11.9 किलोमीटर, 11.9 किलोमीटर मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है? मैरियाना ट्रेंच क्या है? नीचे तक डीपेस्ट ट्रेंच है जिसकी 11.9 किलोमीटर तक की आपकी डेप्थ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मैरियाना ट्रेंच हो गई, यहां पर आपकी ये मिड ओशनिक रिजिज हो गई, या जितनी भी ट्रेंचेज हैं ये ओशन के अंदर बन रही हैं। कब बन रही हैं? जब आपका दो प्लेट आपस में टकराएंगी, या तो दोनों ओशनिक ओशनिक हो या एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंट हो। अगर दोनों प्लेट ओशनिक ओशनिक हो तब भी आपकी जो हैवी प्लेट होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, और जब सबडक्शन होगा वहां पर ट्रेंच बनेगी, मतलब नीचे गहरी खाई बन जाएगी। और जब एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंट है, ओशनिक भारी है तो वो भी सबडक्ट कर जाएगी, वहां पर भी ट्रेंच देखने को मिलेगी। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेंचेस कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे एंडीज माउंटेन है, वहां पर एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक प्लेट मिलके बने हैं, तो वहां पर ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। सेम विद नॉर्थ अमेरिका, वहां पर रॉकीज बनी है, एक नॉर्थ अमेरिकन और एक पैसिफिक प्लेट, तो सबडक्शन होगा, वहां पर भी ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, और जहां पर ट्रेंचेस देखने को मिल रही हैं वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट होगा, ये भी चीजें याद रखना। ठीक है, वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। और मिड ओशनिक रिजिस कहां पर बनेंगी? हमने बात की थी हमारी अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा निकल रहा है, ओशन के अंदर से मैग्मा निकल रहा है, और अगर मैग्मा का जो कन्वेक्शन करंट है वो राइजिंग है, इस तरीके से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने के बाद ये डिपॉजिट होगा ना, यहाँ पर ये अंदर से मैग्मा निकल रहा है इस तरीके से, ये मैग्मा बाहर आके डिपॉजिट होगा ना, और डिपॉजिट कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ रिजिस, रिजिस बनाएगा, बट ये रिजिस ओशन के अंदर है। अगर यहां से मैग्मा निकला तो यहां तक रिजिस बन जाएंगी, बट ये सरफेस पर नहीं आएंगी। बट जहां पर सरफेस पर आ गई है वहां पर आइसलैंड और ग्रीनलैंड किससे बने हैं? जो मिड अटलांटिक रिज है, अटलांटिक ओशन के अंदर जो मिड ओशनिक रिजिस है उसका कुछ पार्ट बाहर आ चुका है ओशन से, उससे ग्रीनलैंड और आपके आइसलैंड जो है उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ओके। यहां पर हमारी दो प्लेट सबडक्ट हो गई हैं तो यहां पर ट्रेंचेस बन चुकी हैं। उसी के साथ साथ हमने ट्रेंचेस पढ़ लिया ओशन के अंदर, हमने मिड ओशनिक रिजिस पढ़ लिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपकी यहां पर देखिए ये पैसिफिक ओशन है,
स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये रही मैरियाना ट्रेंच। ये मैरियाना ट्रेंच 11.9 किलोमीटर की डेप्थ है। वहीं पर यहां पर आपको दिख रही होगी प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच है ना, ये अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच, अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है यहां पर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। यहां पर पैसिफिक ओशन की डीपेस्ट ट्रेंच है मैरीना ट्रेंच, ठीक है। यहां पर ये रही एल्यूशियन ट्रेंच। यहां पर इधर जो जापान है यहां पर मिलेगी जापान ट्रेंच। यहां पर कुरिल आइलैंड है यहां पर मिलेगी कुरिल ट्रेंच। उसके बाद यहां पर मिलेगी डायमेंशन 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 ट्रेंच। यहां पर मिलेगी सुंडा और जावा ट्रेंच, इधर की तरफ जहां पर सुंडा और जावा आइलैंड है, ये वाला पार्ट। यहां पर मिलेगी टोंगा ट्रेंच, इधर वाले पार्ट पर, ठीक है। यहां पर मिडिल अमेरिका ट्रेंच। यहां पर देखिए ना, ट्रेंच क्यों बनी, क्योंकि कॉन्टिनेंट सबडक्ट हुए। यहां पर देखिए पेरू और चिली ट्रेंच, क्योंकि एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ट्रेंच बन गई यहां पर। यहां पर एल्यूशियन ट्रेंच, दो सबडक्शन के कारण ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? ट्रेंचेस हो गई, मिड ओशनिक रिजेस हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपके सामने बात करता हूं दो तीन चीजों के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, जब हमारे नीचे से अंदर से मैग्मा निकलेगा, ओशन के अंदर से, ओशन के नीचे से मैग्मा निकलेगा, एक क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे से मैग्मा निकला। मान के चलिए यहां पर हॉट स्पॉट है, यहां पर हॉट स्पॉट है, इस हॉट स्पॉट से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा निकलने के बाद यहां पर एक माउंटेन बन चुका है, वॉल्केनिक आइलैंड बन चुका है इस वाले पार्ट पर। ये जब ये आइलैंड है, ये ओशन का लेवल है। ये आइलैंड अगर ओशन के अंदर रहता है तो उसको बोलते हैं सी माउंट। सी माउंट क्या है? जो पॉइंटेड आइलैंड है। सी माउंट क्या है? जो पॉइंटेड आइलैंड है, बट वो कहां पर है? ओशन के अंदर है, ओशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सी माउंट। वहीं पर जब इसका जो पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड का जो ऊपर का पार्ट है, ये इरोड हो चुका है और सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ये वाला। जब पॉइंटेड ऊपर का इरोड हो चुका है सिर्फ इतना, दैट मीन्स जो बेस है ना वो फ्लैट बचेगा। बेस कैसा बचेगा? फ्लैट बचेगा। उसको बोलते हैं गायोड्स, उसको बोलते हैं गायोड्स। और वहीं पर अगर पॉइंटेड है, पॉइंटेड आइलैंड है बट ओशन के लेवल के अंदर है, ओशन के इनसाइड है, तो उसको बोलते हैं सी माउंट। माउंट जो समुद्र के अंदर है उसको सी माउंट बोलेंगे। ऐसा माउंट जो समुद्र के अंदर है बट उसका इरोड होके टॉप जो है वो फ्लैट हो चुका है, उसको गायोड्स बोलेंगे। और उसके बाद ऐसा माउंटेन, ऐसा वॉल्केनिक जो समुद्र से बाहर आ चुका है, उसको वॉल्केनिक आइलैंड बोलेंगे। जैसे हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड उसी का एग्जाम्पल है, याद, ठीक है, हवाई आइलैंड उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो ये क्या हो गए? ओशनिक के माइनर फीचर हो गए, मिड ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस, एबेसल, ये सी माउंट, गायोट्स, ये सब क्या है? माइनर रिलीफ फीचर्स है ओशन के। मेजर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप और एबेसल प्लेन। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैनियंस के बारे में, हमने पढ़ लिया है, उसके साथ साथ आपका और जो ओशनिक फीचर है उसमें एटोल आता है। एटोल का मतलब है जो हमारी कोरल रीफ है, अगर वो सर्कुलर वे में फॉर्म्ड हो जाए, कोरल रीफ सर्कुलर वे में फॉर्म्ड हो जाए और सेंटर में उसके वाटर हो, इसको बोलते हैं एटोल। और ये ओशन के अंदर मिलता है और माइनर रिलीफ फीचर का एग्जाम्पल है। जब मैं कोरल रीफ पढ़ाऊंगा ना, तब मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रीफ, उसमें मैं पढ़ाऊंगा फ्रिंज रीफ, बैरियर रीफ और एटोल। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, देर आर लो आइलैंड जो फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल ओशियंस में, जो कोरल रीफ के द्वारा बनाए जाते हैं। सेंटर में डिप्रेशन होता है, सेंटर में वाटर होता है, लगून होता है, और ये एक एनक्लोजिंग बॉडी है जो कि बीच में फ्रेश या ब्रैकिश वाटर होगा और इसके चारों तरफ ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो कोरल रीफ का फॉर्मेशन अगर सर्कुलर वे में है तो उसको एटॉल बोला जाता है, याद रखना। क्लियर है? रीफ आपको मैंने बता ही दिया, ये पूरी रीफ का फॉर्मेशन होता है, कोरल रीफ, जिसके अंदर जब मैं कोरल रीफ पढ़ाऊंगा, कोरल ब्लीचिंग पढ़ाऊंगा ओशनोग्राफी में, तो मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये क्या होते हैं। रिंग ऑफ फायर के पास ही ट्रेंचेस ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पर माइनर माइनर छोटी छोटी प्लेट्स है जिसके कारण सबडक्शन हो रहा है, और सबडक्शन होने के कारण वहां पर ट्रेंचेस बन रही हैं, और ट्रेंचेस बन रही हैं इसी वजह से वहां पर आपका जब प्लेट का सबडक्शन हो रहा है तो वॉल्केनिक इरप्शंस और वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में। ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अगर आपसे पूछे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी कहां पर है,
सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां पर है इंडिया के अंदर? तो आपको एग्जाम्पल देना है गुजरात में, और गुजरात आपको पता है एक सबमर्जेंट कोस्ट है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारा सबमर्ज है, याद रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी आज की इस सेशन के अंदर। लाइक शेयर जरूर कर देना। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चीज आप लोग डिमांड चाहते हो, क्या चीज करना चाहते हो। मैंने यहाँ पर ओशन के अंदर जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं वो कवर कर दिए हैं। कल का जो सेशन होगा उसके अंदर मैं आपको टाइड्स पढ़ाऊंगा, तो अगर कोई भी डाउट है तो यहां पर आ जाइए। ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहां पर ये रहा कॉन्टिनेंटल स्लोप। अच्छे से देखिएगा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके बात करूं आगे की तरफ, तो यहां पर अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंटल स्लोप है, यहां पर ये आपकी शेल्फ ब्रेक है। ये वाला पॉइंट क्या है? शेल्फ ब्रेक, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ये सेडिमेंट जो डिपोजिट हो चुके हैं यहाँ पर, ये वाला कॉन्टिनेंटल राइज है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला हिस्सा, ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं क्योंकि ये सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद जो सरफेस के अंदर है, ये सरफेस के अंदर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरफेस के जो अंदर है वो सरफेस के अंदर वाले, इनको सी माउंट बोलेंगे, और जिसका बेस जो है वो फ्लैट है उसको गायोट्स बोलेंगे, और जो समुद्र के अंदर टॉप पॉइंट है उसको सी माउंट बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ वाटर से ऊपर निकल रहे हैं उनको वॉल्केनिक आइलैंड बोलेंगे। यहाँ पर ये नीचे से मैग्मा बाहर निकल रहा है और ये रिज बन रही है, इसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस। और यहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ जब सबडक्ट होगी तो यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगी? ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। ट्रेंच हो गया, सी माउंट हो गया, गायोट्स हो गया, वॉल्केनिक आइलैंड हो गई, मिड ओशनिक रिजेस हो गई। ये सब माइनर रिलीफ फीचर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, और ये पूरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक का, इट इज नोन एज द डीप सी प्लेन, और ये 40% एरिया कवर करता है। और इसी डीप सी प्लेन के अंदर ये फीचर्स भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। समझ में आया? किसी को कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, तो वो अपने डाउट पूछ सकता है एक बार। सबके पास 2 मिनट है, जल्दी से फटाफट जल्दी बता दीजिए। सबके पास 2 मिनट है, जो भी डाउट है आप लोगों के, जो चीजें जिसको भी क्लियर नहीं हुई हो, ठीक है, फटाफट जल्दी से बता दीजिए कि एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू, कोई भी, कि सर क्या चीजें कैसे फॉर्म हुई, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फटाफट जल्दी से बता दीजिए। एवरीथिंग इज क्लियर? किसी को भी? सबको पॉइंट है, ठीक है गाइज, ये चीजें याद रखना। और उसी के साथ साथ गाइज, अगर आप लोग चाहते हो तो एक दो चीजें और याद रखना, कि मैं बहुत जल्दी एक 15 मिनट की सीरीज लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। 15 मिनट के अंदर ज्योग्राफी का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट, उसके साथ साथ ये 15 मिनट की सीरीज आ रही है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा 15 मिनट की सीरीज के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो 15 मिनट की सीरीज रहेगी, मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ से, एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा यहीं पर, और नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट ये भी स्टार्ट करना है मुझे, यूट्यूब पे ही करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा, इन्वायरमेंट 15 मिनट सीरीज, और मॉर्निंग में 8 AM मेरा प्लस का बैच चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से एक ही जगह कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, तो AM10 कोड यूज़ करके पढ़ सकते हैं। वहां पर कंसेप्चुअल क्लियरिटी सब कुछ आपको पूरी कवर हो जाएगी। जो फोटोइक जोन है, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ जानी है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर गाइस, लाइक शेयर करते रहिएगा। आई थिंक साउंड का इश्यू था, कल से नहीं होगा, मैं चीजों को रिजॉल्व कर लूंगा। बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट टू ऑल।